हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आईपे से अगर आप अपना अलराजी बैंक अकाउंट में या फिर अपने किसी दोस्त के अलराजी बैंक अकाउंट पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो फिर आप कैसे करिएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है ये सारी बातें दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप कुछ मिस्टेक करते हैं तो फिर आपका पैसा कहीं का बदली कहीं और भी जा सकता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने आईपे में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और अगर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो दोस्तों उसमें मैंने पहले एक वीडियो बना दिया हूँ कि आप किस तरह से आईपे में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बेनिफिशियरी कैसे ऐड कर सकते हैं, आईपे से लोकल बैंक में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसके अलावा दोस्तों आप आईपे से इंटरनेशनल ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। ये सारा दोस्तों वीडियो मैं बना चुका हूँ आप लोगों के लिए। आप चाहें तो आप इस वीडियो को देख के आप हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रहा है। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आईपे से आप अलराजी बैंक में कैसे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए और देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं आया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कर सेटिंग को ऑल में कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों के लिए इसी तरह का इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियो लेकर आते रहता हूँ। और जो मेरे दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अपने भाई को प्यार और सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाकर लेकर आता रहूँ। तो चलिए अब बात करते हैं कि आईपीएस से अलराजी बैंक अकाउंट में कैसे आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे और मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा कि आपको क्या करना है, क्या प्रोसेस है कि आप जिससे आईपीएस से अलराजी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। ओके, अभी मैं अपना आईपीए एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। पासकोड, आईपे लॉगिन होने के बाद में अभी आपको यहां पर लोकल ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहां पर आपको पहले बेनिफिशियरी को ऐड करना है, तो इसके लिए अभी आपको ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक करें। अब दोस्तों यहां पर बेनिफिशियरी बैंक पर क्लिक करके यहां पर आपको अलराजी बैंक सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अलराजी बैंक का आईबीएन नंबर, अकाउंट होल्डर नेम और बेनिफिशियरी का निक नेम अगर है तो निक नेम दे सकते हैं, या फिर अगर नहीं है तो आप कुछ भी यहाँ पर नाम इंटर कर सकते हैं, लेकिन आपको आईबीएन नंबर और अकाउंट होल्डर नेम सही सही लिखना है, यहाँ पर आपको कोई भी गलती नहीं करना है। तो अभी मैं अपना अलराजी बैंक एप्लीकेशन लॉगिन करके वहाँ से आईबीएन नंबर और अपना अकाउंट होल्डर नेम कॉपी कर लेता हूँ। दोस्तों, आपको अपना अलराजी बैंक का आईबीएन नंबर देखने के लिए यहाँ अकाउंट पर क्लिक करना है। यह आपका अकाउंट नंबर है और आईबीएन नंबर देखने के लिए यहाँ आईबीएन पर क्लिक करें। तो दोस्तों ये आपका आईबीएन नंबर रहेगा इस तरह से। आपको यही नंबर चाहिए होगा आईपीए से अलराजी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो चलिए अभी मैं अपना इस आईबीएन नंबर कॉपी कर लेता हूँ, साथ ही साथ अपना अकाउंट होल्डर नेम भी कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर अपना आईबीएन नंबर और अपना अकाउंट होल्डर नेम सबमिट कर देता हूँ। डिटेल्स इंटर करने के बाद अब आप ऐड पर क्लिक कर दें, डिटेल्स को दोबारा से एक बार चेक कर लें, चेक करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों यहां पर आपको एक्टिवेट बेनिफिशियरी पर क्लिक करना है। अब रिसीव ए कॉल फ्रॉम अलिनमा पे इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अब दोस्तों आपके पास में अलिनमा पे की तरफ से इस तरह से एक कॉल आएगा, तो आपको कॉल को रिसीव करना है। बेनिफिशियरी एक्टिवेट करने के लिए जो नंबर आपको प्रेस करने के लिए कहा जाएगा आपको उस नंबर को प्रेस करना है। जैसे कि मुझे बेनिफिशियरी एक्टिवेट करने के लिए 1 प्रेस करने के लिए कहा गया तो मैं यहाँ पर 1 प्रेस कर देता हूँ। अब जैसे नंबर प्रेस करते हैं इसके बाद आपका ऑटोमेटिक कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि मेरा अलराजी बैंक अकाउंट ऐड हुआ है या नहीं। फिर से लोकल ट्रांसफ़र। ओके दोस्तों, मेरा अलराजी बैंक अकाउंट यहां पर ऐड हो चुका है। तो आपको भी दोस्तों इस तरह से पहले अलराजी बैंक अकाउंट को ऐड कर लेना है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि आईपीएस से अलराजी बैंक में पैसा कैसे ट्रांसफ़र करिएगा। तो सबसे पहले आप यहां पर क्लिक करके अकाउंट सेलेक्ट कर लें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अभी कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है आप अपना अमाउंट यहां पर ऐड कर दें। जैसे कि अभी मेरा इस समय आईपे वॉलेट पे 15 रियाल है, तो मैं इस 15 रियाल को अपना अलराजी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके आपको बताता हूँ। अमाउंट टाइप कर देने के बाद ट्रांसफ़र पर्पज सेलेक्ट कर लें, आप यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, इसके बाद यहाँ ट्रांसफ़र पर क्लिक कर दें। दोस्तों आप यहां पर देख रहे होंगे जब आप आईपे से किसी लोकल बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 50 प्लस 8
मतलब कि टोटल 58 हलाला लगेगा आपको ट्रांसफ़र चार्ज। ओके, तो अब मैं कंफर्म पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आईपी रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, इस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करना है। अब जैसे ही ओटीपी इंटर करते हैं तो आपका सक्सेसफुल आईपी से एलआरजी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि मुझे एलआरजी बैंक की तरफ से डिपॉजिट का मैसेज भी आ गया है। आई होप दोस्तों अभी आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से आईपी से एलआरजी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना है। आज के वीडियो में इतने दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लें आगे इसी तरह का इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियो देखने के लिए। चलिए जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।